That's over to you, Akshay. Thank you, Priya. And I'm so lucky to have the Honorable Chief Minister of Goa with me, Dr. Savant. I'm in pleasure to have you, sir. And first of all, I'll begin with a big congratulations to you. Thank you. So we have very well organized the EFI and once again for this closing ceremony, I'm welcoming all the guests, all the Kalakars those who have come specially for this function and congratulations for the Michael Douglas for the Satyajit Drepuraskars. It is one of the best EFI this time we have given for the people of India and for the globe. चीफ मिनिस्टर सर ऑब्वियसली यू नो वेन्यू के बारे में हम जब भी बात करते हैं दिल खुश हो जाता है एक परमानेंट वेन्यू है सत्रवा साल बैक टू बैक इन कंसेक्टिव ईयर्स गोवा के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है एक सिनोनीमस बन गई है बात इफ़ी की तो किस तरह से देखते हैं इस एवोल्यूशन को इफ़ी फेस्टिवल का भी और गोवा के लिए कल्चर एंड इकॉनमी जी हाँ हमेशा के लिए गोवा ने बहुत ही अच्छा ईफी के लिए सब वेन्यू क्रिएट किया है इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है हमेशा के लिए लोग ईफी जो गोवा में होते हैं उसके लिए भी अट्रैक्ट होते हैं और ओवरऑल ईफी का इंफ्रास्ट्रक्चर और गोवा में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया इससे भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इन फ्यूचर में क्रिएट करेंगे हमेशा के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें सपोर्ट रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने करने के लिए मुझे लगता है कि हर साल का ईफी इस से भी ज्यादा अच्छा होते जाएगा सर ऑल इंक्लूसिव एक एक ना सिर्फ इंटरनेशनल टूरिस्ट बल्कि हर इंसान जो भले ही बीच पे घूम रहा हो तीन तीन ओपन स्क्रीनिंग्स रखी गई है ऑल इंक्लूसिव एक फेस्टिवल रहा है ये। कमाल का एक्सपीरियंस लोकल लोगों के लिए बहुत खुश है यहाँ पे ऑब्वियसली एज द स्टेट यूल बी डिलइटेड विद दैट आपकी बात सही है इस बार इंक्लूजिव एक्सपीरियंस रहा है हमेशा के लिए ओपन स्क्रीनिंग रहा है कि बीचिस पे जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिला है मुझे लगता है कि गोवा और बाकी यहाँ के जो सर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उन्होंने भी ईफी एंजॉय की है जी यहाँ डेफिनेटली कि एक बहुत बड़ा शानदार ईफी का सोला रहा है जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल ज्यूरी से बात हो रही थी हेड ऑफ द ज्यूरी शेखर कपूर और उनके साथ एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा एज अ फेस्टिवल काफी एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है उसको प्रमोट करता है सिनेमा की ग्रोथ को कैसे देखते हैं इंडिया की सिनेमा ग्रोथ को डेफिनेटली कि uh, जिस तरह से सिनेमा की ग्रोथ इंडिया में हो रही है मुझे लगता है इट विल लीड फॉर द ग्लोब